नमस्कार दोस्तों, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में बीते दिन सुबह हुई घटना के 24 घंटे के अंदर एक और जवान की जान चली गई। यहां जवान के शरीर में गोली लग गई। गोली की आवाज सुनने के बाद तुरंत सभी घटना स्थल पर पहुंचे। जवान को मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इसे यह हादसा बताया जा रहा है, जिसे बीते कल हुई घटना के साथ नहीं जोड़ा जा रहा। मिल रही जानकारी के अनुसार भटिंडा के मिलिट्री एरिया में यूनिट लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गोली की आवाज सुनाई गई। जब आर्मी जवान मौके पर पहुंचे तो संतरी गुरु तेजस लहूलुहान हालत में पड़े मिले, जिनकी शर में गोली लगी थी। पंजाब पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार जवान अपनी राइफल को ठीक कर रहा था, तभी अचानक गोली चल गई, जो उसके सिर पर लगी। यह जवान दो दिन पहले ही छुट्टी से घर लौटा था। गोली की घटना के बाद जवान गुरु तेजस को तुरंत मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके सिर पर गोली लगने से वह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। आर्मी ने इसकी जानकारी स्थिति गोली लगने की घटना के बाद जवान गुरु तेजस को तुरंत मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर पर गोली लगने व अतिरिक्त खून निकलने के कारण उसकी मौत हो गई। आर्मी ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। अभी शव को मिलिट्री अस्पताल में रख गया है, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस घटना के बारे में आर्मी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह आत्महत्या या हादसे के बारे में साफ नहीं किया जा सकता। पुलिस ने आर्मी में अपने स्तर पर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। इस सैनिक की मौत पर गांव ही नहीं, पूरा देश विरोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।